बसमिल्ल रहीकूम मैं हूँ गुलजेब अब्बास और आप देखें रिफ्लेक्ट एंड लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर फोर के पास पेपर्स के एम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा आइए बढ़ते हैं जी एम की तरफ क्वेश्चन नंबर वन है एनर्जी स्टोर्ड इन अ वाइंडिंग तो आपको पता है कि स्प्रिंग के अंदर जब एनर्जी जो स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ऑप्शन ए इसका ठीक होगा क्वेश्चन नंबर टू व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल देन इट्स अब स्पीड डबल करने से स्टूडेंट्स कैनेटिक एनर्जी जो है वो फोर टाइम इंक्रीज होती है सो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट होगा जिसमें मोमेंटम जो है वो डबल होगा रिलेशन है आपके पास p इज इक्वल इन टू एम इन टू बी तो स्पीड डबल करने से मोमेंटम डबल होगा क्वेश्चन नंबर थ्री वैल्यू ऑफ द सोलर कॉन्स्टेंट इज इट्स 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए इसका ठीक होगा क्वेश्चन नंबर फोर ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट है जी ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज अब ऑप्शन इसका ए ठीक होगा जो आमतौर पे आपको फार्मूला मिलता है वो है अंडर रूट या स्क्वेयर रूट ऑफ टू जी इन आर अब यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इसके जो ऑप्शन दिए थे दैट वाज द स्क्र रूट ऑफ जी इंटू आर इंटू टू सो ऑप्शन ए ही कुरेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन द सन लाइट इज पासिंग थ्रू द एटमोसफेयर इट्स टोटल इनर्जी रिड्यूस टू सो रिफ्लेक्शन भी होती है डेस्ट पार्टिकल के साथ स्कैटरिंग भी होती है और ऑब्जॉर्बेशन भी होती है तो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज जो है दैट विल बी कुरेक्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवन द वर्क डन बाय देंट्रीप्यूटर फोर्स इज ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स जीरो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है या आप कह लेंगे एंगल जो है बिटवीन जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 90 तो इसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाता क्वेश्चन नंबर एट पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ऑप्शन सी इसका होगा जी करेक्ट वेलोसिटी एफ डॉट वी इक्वल होता है पावर के उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर नाइन Kilowatt per meter square is a unit of intensity. Basically intensity equivalent hota hai, power transferred per unit area. So power ka unit kilowatt use karenge area ka unit meter square to according to that kilowatt meter square, kilowatt per meter square will be the correct unit of intensity. if it is of kilowatt hota that will be of power. Question number 10. G. If the direction of a force is perpendicular to the direction of motion of a body. Then the work done is zero. हमारे पास वर्क डन इन का फॉर्मूला है एफ इन टू डी रिजल्ट जीरो हो जाएगा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगी यानी नाइन्टी डिग्री पे वर्क हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क इक्वलेंट आएगी वर्क की डायमेंशन एनर्जी के भी इक्वलेंट होती है टॉर्क वर्क और एनर्जी की डायमेंशन तो आपके पास ऑप्शन ए ठीक होगा क्वेश्चन नंबर एन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज गिवन ऑप्शन में से आपके पास ऑप्शन सी जो है दे है फ्रिक्शनल फोर्स बाकी तीनों के तीनों जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेज है किलोवाट आर इज अट ऑफ एनर्जी ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी के इस याद रखिएगा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना किलोवाट अगर सिर्फ होगा तो ये पावर का यूनिट है किलोवाट वाट आर किलो वाट या किलोवाट मिनट जो है ये डिफरेंट यूनिट्स हैं इनर्जी के क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज और पावर का एसआई SI यूनिट जो है वो ऑप्शन बी ठीक होगा वॉट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो ऑप्शन डी ऑयल जो है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है बाकी तीनों जो यहाँ पे गिवन है ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर सो स्टूडेंट्स ये जुपिटर के लिए होती है मैक्सिमम ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा